उत्तर प्रदेश चुनाव का चौथा अंक फेज फोर, और वो था अवध में, और अवध के साथ साथ फिर जमुना जी के नीचे के दो जिले यानी कि फतेहपुर बांदा और एक जिला रोहिलखंड का पीलीभीत, बाकी सारे के सारे अवध के जिले यानी कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और उसके साथ रायबरेली। तो ये इन सारे ज़िलों में चुनाव हुए। हालांकि अवध में जो कुछ और ज़िले हैं जैसे बाराबंकी इत्यादि, ये पांचवें फेज़ में आएंगे। फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या, अयोध्या जी भी जो है अवध का ही पार्ट है, वो भी बाद में आएंगे। अब हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेंद्र पुंडीर जी, और अभिषेक जी थोड़ा सा विलंब से जुड़ जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। पिछले पहले सबको नमस्कार, और ओंकार जी का, धीरेन्द्र जी का स्वागत है। नमस्कार। पिछले तीन दिनों से मेरे ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट हो रहे थे, आपने अभी तक अपना विश्लेषण क्यों नहीं किया? आपने तो, आप यदि देख रहे होंगे तो मैं तो सबसे अंत में करता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तब तक जो समाचार जो है वो पूरे छन के, और जो लोगों को जल्दीबाजी होती है कि तुरंत उसका कुछ बताना है, वो सब निकाल निकोल के, और जो लगातार जैसे जी न्यूज़ को भी मैंने देखा, लगातार देख रहा हूँ, और वो हर फेज़ के बाद में ये घोषणा कर देते हैं कि वोटिंग पहले से काफ़ी कम हुई है, और बाद में वो 5% बढ़ जाती है। जैसे कि इस फेज़ में भी हुआ कि 5 बजे की पोलिंग जो थी वो 57% थी, और अब वो लगभग 63% है। तो इन सब कारणों से मैं बिल्कुल अंत में करता हूँ, उस समय तक सारे कैलकुलेशन हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर आरंभ करता हूँ ओंकार जी, और मैं आपको दो वाक्य सुनाता हूँ। जी जी। और दो वाक्य क्या होगा? दो वाक्य मतलब मैं कहूँगा कि दो आपको विभिन्न मत सुनाता हूँ, एक तो सत्य हिंदी का और एक हमारे प्रदीप सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार उनका। तो सत्य हिंदी चौथे फेज के बाद मैं देख रहा था, तो उस पर एक श्री कोई अम्बरीश जी थे वो होस्ट कर रहे थे, कोई एक डेटा एनालिस्ट थे विकास जैन जी, और उसमें सबसे अच्छी बात ये बताई उन्होंने, उन्होंने लखनऊ के एनालिसिस की कि यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है, और वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद में उनको उन्होंने उसका विश्लेषण करके बताया कि साहब कि यहाँ चूँकि वोट प्रतिशत बढ़ा है इसलिए यहाँ पर बीजेपी हारेगी। फिर उन्होंने सीतापुर का विश्लेषण किया कि यहाँ पर वोट प्रतिशत कम है, फिर उन्होंने उसका प्रतिशत करके कि चूँकि यहाँ पर वोट प्रतिशत कम हुआ है इसलिए यहाँ बीजेपी हारेगी। और सबसे जो बेहतर और सबसे जो कामयाब जो वक्तव्य था वो उनके जो एंकर थे अमरीश जी का, उनका ये कहना था कि देखिए अभिषेक जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। घर घर पहुंच गया? हाँ सर, बस लेकिन ज्यादा लंबा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी बच्ची वाइफ पे जाने के लिए, के पास जाने के लिए बेचैन हो रही है, तो उसको मैंने साइड किया है, अभी वो पेट वगैरह पे नहीं न चढ़ सकती, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। 7 दिन एम्स वालों ने भर्ती रखा, एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी थोड़ी सी, तो उस वजह से। तो हम आपको पहले ले लेंगे, फिर एक मत ये मैंने ओंकार जी से जो पूछा जी। तो वो अमरीश जी कहते हैं कि देखिए 2017 से लगातार बीजेपी का ग्राफ घट रहा है, और ये देखिए कि 2019 के चुनाव में उनको 10 सीटें कम मिली थी, मिली तो 9 थी लेकिन उन्होंने 10 कर दी, और 10 सीट का मतलब उत्तर प्रदेश में 50 विधानसभा की सीटें होती हैं। तो यदि 2017 से 2019 में 50 सीटें कम हो जाती हैं तो 2019 से 2022 में 100 सीटें और कम क्यों नहीं हो सकती? इसलिए बीजेपी हारेगी।
तो इतना इस जब सवाल का लड़का, जवाब अमरे ओमकार सर के बाद मैं भी दूंगा सर, ये सवाल मैंने भी सुना था। आप ये ऐसी विलक्षण चर्चा सुनकर मैं तो हतप्रभ था, और भी जो दूसरे लोग थे वो ये कह रहे थे कि यदि कोई सीटें अगर 10 घट सकती हैं तो 20 भी घट सकती किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फेज में, तो इसलिए इस तरह से तो ये एक बच्चा था। दूसरा प्रदीप सिंह जी का था, प्रदीप सिंह जी गंभीर व्यक्ति वैसे माने जाते, वो कह रहे थे कि स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही, कम से कम बीजेपी, अब जनता चुनाव लड़ रही है। तो मैं टिप्पणी चाहूँगा ओंकार जी की, फिर अभिषेक जी की, फिर धीरेन्द्र जी की, और उसके बाद फिर हम पहले अभिषेक जी को ले लेंगे क्योंकि इनको हमें थोड़ा जल्दी छोड़ना होगा। जी, मैं सबसे पहले तो आपकी सराहना करूंगा और अभिषेक की भी, जो असत्य हिंदी को देखते हैं। तो आप लोग कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं ये मेरी समझ से बाहर की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं मुझे आप जैसे लोगों से ही पता लगता है कि वहां पर क्या डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों ऐसे चैनल देखना मुझे लगता है अपने अपने ऊपर एक तरह का अत्याचार करना है। ये तो जो आशुतोष हैं, ये तो 2013-14 से ही भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए आ रहे हैं। उन्होंने तब भी हराने की कोशिश की थी, मोदी को रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, जिस समय मतलब उनकी लोकप्रियता उरूज पर थी उस समय मोदी को वो रिजेक्ट करने वाले लोग थे। एक और मेरे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ नेशनल ब्यूरो में कांग्रेस पार्टी कवर करते थे, मैं अमर उजाला से करता था, वो हिंदुस्तान से करते थे, वो अगर सुन रहे होंगे तो समझ गए होंगे। उनसे मैंने पूछा कि भाई कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आप समझ रहे हैं, ये 2014 की बात थी। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगा करके कहा कि 160-165, इससे ज़्यादा तो नहीं, जबकि बहुत सारे चैनल, बहुत सारे सर्वे मतलब 200 से ज़्यादा बता रहे थे। हाँ, बहुमत की बात नहीं कर रहे थे, कोई कोई कर रहा था, पर वो 165 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे। तो ये जो लुटियन जोन के बैठे हुए लोग हैं, जो कभी मैदान में जाते नहीं, कभी लोगों से बात करते नहीं, कभी आंकड़े भी उठा करके नहीं देखते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में किस जिले की कौन कौन सी सीटों पर कितना प्रतिशत वोट शेयर किस पार्टी को मिला था, ये भी नहीं देखते हैं। और वो चूंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उनको ना मोदी पसंद है, ना योगी पसंद है, ना भारतीय जनता पार्टी पसंद है, ना संघ पसंद है, इसलिए उनको तो घुमा फिरा करके उनको हराना ही है, ये तो आप तय मान लीजिए। लेकिन चीलों के कोसने से, कौवों के चाहने से पशु नहीं मरा करते हैं, ये बार बार सिद्ध हुआ है, ये बार बार सिद्ध हुआ है। जी, अभिषेक जी ओमकार सर को एक बात कहूंगा सर, मैं वीडियो उनके इसलिए देख रहा हूं, मैंने अब तक उनके 12 क्लिप संभाल कर रखे। आप तो गंभीर आदमी है धीरेन्द्र सर, गंभीर आदमी है, लेकिन मैं तो ट्रोल करूंगा 10 तारीख के बाद। मेरे अंदर तो एक प्राइम टाइम वाले का बिहारी जो है वो जग जाएगा, प्राइम टाइम करूंगा मैं, स्पेशली इन लोगों पे। अब मैं बात कहना चाहता हूं, बहुत लॉजिकल। 2019 में बीजेपी की 9 सीटें कम हुई थी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 39.7% से बढ़कर के जो है, जो कि 2017 विधानसभा में वो 51% पे मतलब एनडीए का पहुंच गया था, ये उस महान पत्रकार को पता नहीं। दूसरी नहीं बात, पता अच्छी तरह से, वो तो सिर्फ अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से आंकड़ेबाजी कर रहा है। नहीं, वो ठीक है, अब आप ये समझिए सर, मैं वापस इसके बीजेपी के 10% या 7% वोट शेयर कम कर दे रहा हूं, इस बार मैं 43-44 ही रख रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जो टोटल 38% मिला था, उसमें से सिर्फ मैं 13% जाटव वोट बैंक माइनस कर देता हूं सर, 38 माइनस 13। आप जो है सत्य हिंदी को असत्य साबित करना चाहते हैं। जी सर, लॉजिक वा तो दोनों तरफ से अप्लाई होगा ना सर। लॉजिक वाजिक नहीं चलता है, नहीं ना चलता है यहाँ पे।
धीरेन्द्र सर इतने गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, उन जैसे गंभीर आदमियों के लिए तो कम से कम मुझे शख्स के लिए, गंभीर पत्रकार के लिए मुझे लॉजिक तो देना पड़ेगा दोनों तरफ से। मैं आया हूँ अभी ड्राइव करके, तो मैं सोच रहा था कि असद तेंदु के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन निकल गया है मैंने उसे ट्विटर पे चैलेंज किया था। हाँ, वो देखा था मैंने। अगर और अभी भी चूंकि जयपुर डायलॉग्स वो अभिषेक तिवारी को तो देखता है, मैं जानता हूँ शो को, ओमकार सर के लिए भी मैं दो तीन वीडियो जो है अपने एडिटेड भेजूंगा, जो अपने चैनल पे वो चला लेंगे, उसे एहसास होगा कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ वोट कर रही है। मैं जयपुर डायलॉग्स के भी माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार है। अगर 10 तारीख को बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो अभिषेक तिवारी शो जीवन में कभी भी ओपिनियन पोल नहीं करेगा। क्या उसके अंदर यही चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत है? दूसरा बड़ा चैलेंज देता हूं, या तो वो चैनल अपना बंद कर ले या मैं बंद कर लू अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अब आशुतोष के अंदर है, वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, तो जमीन उन पे घूमते हैं ना। बात ये नहीं है सर, मैं इसलिए कॉन्फिडेंस में, बीजेपी की सरकार तो बन ही रही, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि क्या बीजेपी 270 वाला जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं वहां से क्या 300 की तरफ जा पाएगी या नहीं? क्योंकि इस अब जब आप पूछेंगे चौथे चरण में 50 सीट तो बीजेपी अभी भी निकाल दे इस चरण, मेरा तो सवाल 55 वाला था, कई सीटें फंस गई लखीमपुर खीरी वाली जबरदस्ती की फंस गई। अब धीरेन्द्र सर बोलेंगे उसके बाद, आपसे बाद में लेंगे, पहले धीरेन्द्र जी का भी ओपिनियन इन दो वक्तव्यों पे ले लेते हैं। म्यूटेड हैं आप जी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्य हिंदी एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे अच्छा। नहीं लगता था कि आप जब हम लोगों ने कैरियर शुरू किया तो उन लोगों ने जो सबसे पहला उपदेश हम लोगों को दिया था, जिसको मैंने उपदेश के तौर पर ही लिया था, एक उस ट्रम में नहीं जिसमें लोग अब इस्तेमाल करने लगे, उन्होंने कहा था कि कभी बायस नहीं होना, चीजें भले ही जैसी दिख रही हैं वैसे बताना। और मैंने कोशिश की इतने सालों तक बहुत सारी चीजें की, बल्कि इसमें OCN नेटवर्क पर भी जाता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं अपना भी करता हूँ तो उसमें भी नीचे लिख देते हैं लोग कि ज्यादातर जो राइट में उनको लगता है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सही चीज बताएं, उसमें भी लगता है कि आप बात घुमा के कहते हैं, क्योंकि मैं सच बोलने से परहेज करता हूं कि सच बोल के लोगों को अपने साथ ना लाओ वो ठीक है, लेकिन झूठ बोल के अपने साथ लाने से परहेज करता हूं। लेकिन मैं जब भी उनको अब देख रहा हूं लगता है कि जैसे एक एजेंडा हो, मतलब आशुतोष मेरे ब्यूरो रहे हैं, मुझे बड़ा और उनका स्नेह मतलब मेरे पास अगाध रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे घृणा जो है आंखें बंद कर रही हो, उनको कोई इस तरह की चीज भी नहीं है, जाने क्या है कि वो चीज आंखें बंद करके 2014 से इस बात के लिए लगे हुए हैं कि मोदी अब ये होगा अब ये होगा अब ये होगा, और उसके बाद वो फिर जीत के आ जाते हैं, वो फिर कहते रहते हैं। और चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, मतलब मुझे संजय जी आपको वो होगा, क्योंकि जब मैं बंगाल को देख रहा था और मेरे से प्रेडिक्शन में गलती हुई, मैंने माफी भी मांगी कि जो मेरा से हुई, मुझसे भी हुई, अभिषेक से भी हुई, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, चूंकि जो जेन्युइन जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने अलग हुआ, लेकिन आप ये सोचिए कि ये नफरत करने वालों का एक पूरा गैंग है वो, जो सच से दूर होके आप इनको उसके बावजूद कि लगातार झूठ साबित होते जा रहे हैं वो उनके साथ खड़ा रहता है, आपको दिखेगा, वो लोग देखते हैं। मैं सिर्फ एक यही नहीं है, एक राजीव आपको याद होगा वो राम पुनियानी या कुछ करके वो उसके साथ सम मैं नाम याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत अरसा उन्होंने इतने चैनल इस्टेब्लिश किए, उनकी कहानी मीडिया का हर आदमी जानता है, मुकेश कुमार, उस आदमी के बारे में मीडिया का हर, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता लेकिन चूंकि बात ऐसी हो रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है व्यक्तिगत तौर पर भी मीडिया के हर आदमी को मालूम है, कहां से किस चीट फंड किसके साथ क्या उन्होंने चैनल शुरू किया, कैसे किया, वहां से कब निकले और कैसे निकले, सबको मालूम है। लेकिन वो आदमी हिंदुस्तान के इतिहास पर राम पुनियानी जैसे या तो बहुत मूर्ख है, झूठे और मक्कार है, माफ करना इन शब्दों के लिए, अगर कोई इसको लीगली टर्म में ले जाना चाहे तो मैं उसके लिए माफी अभी मांग लेता हूं, या फिर वो जानबूझकर एक खतरनाक एजेंडे के साथ है जो झूठ को हिंदुस्तान के ऊपर लादना चाहते हैं। इसीलिए सत्य हिंदी का न किसी राजनीतिक
मीमांसा से कोई रिश्ता है, ना ही उनका किसी इतिहास से कोई रिश्ता है। वो सिर्फ एक घृणा के साथ है, इसीलिए मैं उसको कभी भी पूरा देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हूं जब से मैंने उनको लगातार देखा। वो झूठ में जिंदा है और उनके साथ घृणा में डूबे हुए लोगों की एक जमात है जो उनको ताकत देती है, उनको पैसा देती है। आज यूक्रेन में जब लोग भाग रहे थे परसों, माफ करना मैं यूक्रेन तक जा रहा हूं, तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये जो लोग भाग रहे हैं दोनों पक्ष के, मतलब दोनों पक्ष के मतलब यूक्रेन के अंदर इस तरह के लोग रहे होंगे जिन्होंने इस पार्टी का या रशियन समर्थक पार्टी का या दोनों का जिन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ के विरोध किया होगा, लेकिन मिसाइल अंतर नहीं कर रही है। रूस की मिसाइल किसी भी मकान पे अंतर नहीं कर रही है, लेकिन आपके देश में ये दुर्भाग्य है कि ये लोग ये सोच कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। इस तरह के शब्दों को राजनीति में न केवल वरीयता दी जा रही है बल्कि उसकी बात भी, ये बहुत खतरनाक साइन है। सर माफी के साथ कहूंगा सर, मुझे जाना पड़ेगा। प्रदीप सिंह जी के ऑब्जर्वेशन के बारे में आप तीनों लोगों ने, मैं प्रदीप जी के, प्रदीप जी से मेरी बात भी हुई अभी लखनऊ में, जब वो योगी जी के साक्षात्कार के लिए आए थे तो बात उस दिन हो भी रही थी। उनकी और हमारी बातचीत में एक चीज तो कॉमन थी, मेरा कहना ये था कि जनता में, क्योंकि बीजेपी ही सिर्फ कास्ट बैरियर तोड़ रही है, यानी उसके साथ कास्ट है, जो कास्ट नहीं भी उसके कैंडिडेट के साथ है उसमें से वो 40% 60% 80% या 10% वो लेके आ रहा है। लेकिन जो अखिलेश यादव हैं उनके गठबंधन में जो जाति शामिल है उसके अलावा वो कहीं से भी 1% वोट लाते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ये चुनाव का गणित, ये जो हमारी समझ है, हो सकता है कि चुनाव का क्या रिजल्ट हो तो हम लोग 10 को देखेंगे, लेकिन ये बात उनकी और हमारी साथ थी। उनका कहना यह था कि धीरेन्द्र, अगर अब आप नहीं देख पा रहे हैं चार चुनाव में कि जनता जैसे खड़ा हो गई है, और उनका उनका एक और बात थी, उनका पास लॉजिक था, वो बिना किसी उसके नहीं कर रहे थे कि बिना उसके, उन्होंने मुझे जो चीज कही उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र आप सिर्फ ये बताओ आपने कितने हजार लोगों से बात की। हमने कहा यार पहले तो मैं शायद कहता कम की, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि चूंकि भीड़ में बात करने का सीजन चल रहा है तो मैं भीड़ में ही करता हूँ, 10-10, 50-50 इकट्ठे करके, तो मतलब 8-5 हजार लोग होंगे, तो उनमें से कितने लोगों ने आपसे कहा। हमने कहा लगभग 4000 लोग कह तो ये रहे, 4500 की आएंगे तो योगी वोट चाहे वो किसी को दे रहे हैं, तो कह रहे यही जनता की आवाज होती है। तो उनकी बात को मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं उस बात के रिश्ते में है। जैसे मैं अभी यही था जहां बैठा था वहां आपका जब तक शुरू नहीं हुआ था तो मैंने पूछा कि मेरा जो टीवी नहीं चल रहा था, हमने कहा कि वो ठीक बुलाया, हमने कहा आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा परशुराम है, कहाँ के रहने वाले, बराबर का एक गाँव है। तो हमने कहा किसको वोट दे रहे हैं, क्या मुकाबला तो बराबरी का है। हमने कहा नहीं, मैंने कहा आप शायद हिचक रहे हैं, आप भी सपा को दे रहे हैं। कहले साहब हमारे वोट देने से होता क्या है, आएंगे तो योगी। ये 5 मिनट पहले की बातचीत थी, 15 मिनट आपके से। तो वो एक जनता का, मुझे लगता है कि प्रदीप जी जो कोशिश एनालाइज करने की कर रहे हैं वो इस वॉइस को बहुत ज्यादा उन्होंने गौर भी किया, और मुझे लगता है कि ये वॉइस हम भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ हमको नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हमको सपा की रैलियां नहीं दिख रही होंगी, ऐसा नहीं है कि हम उस जातीय गठबंधन को नहीं देख रहे, लेकिन हम उसको जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, जो इकोनॉमिक, जो आपका ईसीआई का रिकॉर्ड है और जो मौजूदा रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के साथ कोशिश करके उससे एक फॉर्मूला निकालकर ईमानदारी के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें आपको गलती है, लेकिन हमारी ईमानदारी में हम लोग किसी के पक्ष में आंधी चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये मर जाए गाय तो हम लोगों का भोज हो जाए, हम वो नहीं कर रहे हैं। जी ओंकार जी, आप इस पे कुछ बोलेंगे? सर मुझे निकलना होगा, मैं 2 मिनट आपसे लूंगा सर। तो मैं, आप ऐसा करें, आप अपना आकलन जो है, वो मैं पहले अपना आकलन देता हूं, एक जिले वाइज चौथे फेज का और पांचवें फेज का अपना जो है वो। सर पांचवें फेज का तो मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप भी नहीं खोल पाया हूँ आ करके, मेरे पास आंकड़े हैं और कितना ये हो रहा है। पूरा एनालिसिस में दे देता हूँ। हमारी टीम ने इस फेज में भी बीजेपी को जो है, अभिषेक तिवारी शो की जो टीम है उसने 50 से 51 सीटें दी है। वैसे हम 55 देना चाह रहे थे, लेकिन 4 सीटें जो पिछली जीती हुई थी उसमें कुछ फाइट है, लेकिन इस बार रायबरेली में बीजेपी हो सकता है कि पूरे स्वीप करे। पीलीभीत स्वीप ही कर रही है, और जो है इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जहां पे फंसा हुआ था। एक लखीमपुर अननेसेसरी फंस गया है, वो सीट फंसनी नहीं चाहिए थी लेकिन अब फंस गया। उसके अलावा सर बाकी मुझे लगता है कि बीजेपी अब सीटें निकाल लेगी, बाकी सीटें सर
बाकी डिटेल्स तो मैं आपके दर्शकों के लिए कहिएगा तो एक कम्युनिटी टैब पे डेटा वाइज मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको दे दूंगा। माफी चाहूंगा आपके दर्शकों से, आज थोड़ा सा मेरी परेशानी है। ठीक है, हम ये मान लें आपका आकलन लगभग 50 सीटों का है। 51 सीट सर। तो ओवरऑल फिर आपके हिसाब से अब तक कितनी हो गई? 180 हो गई सर। 180 हो गई। ठीक है अभिषेक जी, आपको धन्यवाद। और अब हम ओंकार जी से और धीरेन्द्र जी से चर्चा कर लेते हैं। ओंकार जी, अब आपका विश्लेषण पहले चौथे फेज का और फिर आगे आने वाले फेज का, यानी पांचवे फेज का। पांचवे फेज में 61 सीटें हैं, दर्शकों को बता दूं। और इसमें जो जो जिले जाएंगे पांचवे फेज में, वो आपका कुछ तो अवध का पार्ट है और कुछ उससे मिले जुले जो हैं वहाँ के, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, उसके बाद फिर अयोध्या और सुल्तानपुर, अमेठी, और फिर अमेठी के बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, प्रयागराज और प्रयागराज कौशाम्बी और चित्रकूट, ये जिले जो हैं ये इस बार पांचवें फेज में जाएंगे। और चौथे फेज में जैसे आपको पता है कि पीलीभीत, खीरी, हरदोई और सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहगढ़ और बांदा, ये 9 जिले थे। ओंकार जी, आपका विश्लेषण। जी जी, सबसे पहले तो मैं प्रदीप सिंह जी की जो बातचीत है, जो उनका प्रोग्राम था, जो उनका आकलन है, उस पर ये कहूँगा कि जब वो एक कहावत है ना कि दूध के जले भी छाछ को जो है फूंक फूंक करके पीते हैं, तो मेरा भी हाल करीब करीब धीरेन्द्र पुंडीर जैसा ही है। बंगाल के बाद से हम थोड़ा सा संभल करके चल रहे हैं, वरना जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं वो 100% सही है, 100%, उसमें 1% भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरे विचार से तो पहले फेज से ही जनता ने अपने कंधों पर उठा लिया था, और जिस तरह के इनको लप्पड़ पड़े हैं पहले दूसरे फेज में और तीसरा फेज, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का सियासी गढ़ माना जाता है, जहां यादव बेल्ट होती है, वहां पर भी उनको घोर निराशा का मतलब एहसास हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जनसभाओं में, उनके रोड शो में भीड़ बहुत जुट रही है। तो मैं वो कमेंट करना नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो किस तरह की भीड़ है, किस तरह की रिएक्शनरी भीड़ है, ये हम देख पा रहे हैं, इसका एहसास हमें हो रहा है। ये वो लोग हैं जो एक मिनट भी योगी को नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लाइन लग करके लोग 500-500 रुपये के नोट थाम रहे हैं और हाथ में उनके समाजवादी पार्टी के झंडे हैं। यानी रैलियों में या सभाओं में या दूसरी जगहों पर जो भीड़ जुटाई जा रही है, वो किस तरह का खेल किया जा रहा होगा, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ये बीच में छापे ना पड़े होते 3 लोगों के यहाँ, जहाँ से एक के यहाँ से तो करीब करीब 200 करोड़ का कैश निकला था, बरामद हुआ था, हालांकि ये स्थापित नहीं हो पाया कि उनका समाजवादी पार्टी से कोई वाकई रिश्ता था, पर जो बाकी 2 के यहाँ पड़े थे वो तो समाजवादी पार्टी से वाबस्ता थे, उनके यहाँ से भी तमाम तरह की चीज़ें बरामद हुई थी। बहरहाल प्रदीप सिंह बहुत ही अनुभवी संपादक रहे हैं जनसत्ता के, और इस समय भी जो चैनल चला रहे हैं उस पर बहुत तथ्यपरक सामग्री वो दे रहे हैं। मैं उनको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, जो भी उनका आकलन है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। अब आते हैं कि चौथे फेज का जो चुनाव हुआ था, जिसमें रोहेलखंड है, बुंदेलखंड है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, रायबरेली है, उन्नाव है, हैं तो और भी क्षेत्र,
लेकिन मैंने ये नाम इसलिए लिए हैं कि सबकी निगाह इस पर लगी हुई है कि बुंदेलखंड में क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है, रुहेलखंड में भी क्या वैसा ही प्रदर्शन करने वाली है, लखीमपुर खीरी जिसमें कुछ घटनाएं हुई थी और जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तूल देने की कोशिश की गई थी, लखनऊ जो अटल जी का एक तरीके से घर मान लिया गया है, वहां पर 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार, क्या इस बार वैसा ही प्रदर्शन दोहराएगी, और एक सीट जो मोहनलालगंज है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं, इसी तरीके से रायबरेली की ऊंचा हार से कभी नहीं जीती, सीतापुर की सिधोली से कभी नहीं जीती, उन्नाव की पुरवा से कभी नहीं जीती, क्या इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड सुधारेगी, तो इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। पुरवा पर तो हम जानते हैं पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट जीते थे अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से है। इसी तरीके से रायबरेली में जो 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, अदिति सिंह वाली और एक आपकी राकेश प्रताप सिंह वाली हरचंदपुर, उन दोनों सीटों पर भी लोगों की निगाहें हैं, वो दोनों ही इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में इस बार कांग्रेस का खाता भी शायद नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर के 9 जिलों पर ये मतदान हुआ है संजय जी, 59 सीटें थी, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पर मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी ने, आप भी बता चुके हैं, हमारे साथी भी बता चुके हैं, पिछली बार 50 सीटें जीती थी, 59 में से एक उसकी सहयोगी अपना दल ने जीती थी। कांग्रेस के हिस्से में यही रायबरेली की 2 सीटें आई थी जिनका मैंने उल्लेख किया है, बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में भी केवल 2 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी के हिस्से में केवल 4 सीटें आई थी। और जिस तरह का वातावरण पहले 3 फेज में रहा है उससे अलग 4th फेज में भी नहीं रहा है, पर मैं ये देख रहा था सीटों का आकलन करते हुए कि कहाँ क्या सिचुएशन थी 2017 के चुनाव में, वोट शेयर किस पार्टी को किस सीट पर कितना मिला था, किस कैंडिडेट के हिस्से में कितना वोट शेयर आया था। इसके अलावा चूंकि मैं मैदान में तो जाता नहीं हूँ, मैं यही बैठकर के तमाम समीक्षाएं करता हूँ, आकलन करता हूँ, तो जो वहाँ के समाचार पत्रों में चीज़ें आ रही हैं, जो रुख आ रहा है, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है अलग अलग सीटों का, उसके आकलन पर मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ सीटों पर संघर्ष है इस बार। इनमें लखीमपुर खीरी की धौरहरा है, जहां 2017 में भी केवल 1.5% वोट शेयर का अंतर था जीत का। एक माहौली है, वहां भी लगभग इतना ही अंतर था। सीतापुर की लहरपुर सीट है जहां 6% का अंतर था हार जीत का। बिस्वा में 5% का अंतर था, महमूदाबाद में तो केवल 1% का ही अंतर था, ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हालांकि मिश्रिख में 9%, सांडी में 11%, बिलग्राम में 3% और संडीला में 10% था। तो जहां 10-11% या 9% का अंतर था उसको हम उतना संघर्ष में नहीं मानते जब तक के कोई बहुत ही बड़ा अविश्वास ना हो, नाराजगी ना हो जो एमएलए के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। पर जो बिलग्राम है वहाँ मुझे संघर्ष दिखाई देता है। लखनऊ की जैसे ये आपकी बख्शिका तालाब थी, 8% का अंतर था हार जीत का, और सेंट्रल में केवल 3% का था, ऊंचा हार में तो केवल 1% का अंतर था जिसका मैंने जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई है। तो ऊंचा हार हो, सिधोली हो, और ये आपकी रायबरेली की 2 सीटें जहां से अदिति और राकेश प्रताप सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, उनका तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें इस बार निकाल सकती है। हाँ, ये मोहनलालगंज निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये अभी मोहनलालगंज इस बार वो कौशल किशोर के जिम्मे दी गई है और उनके परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं, तो जी जी वहाँ से इस समय एमपी भी हैं, तो पहले वो
अलग अलग पार्टियों से घूम के आए हुए हैं, तो उनका काफी प्रभाव है मेरे विचार से निकलनी चाहिए। धीरेन्द्र जी वही हैं, वो बताएंगे बेहतर। कुल मिलाकर के तो मैं ये कहूंगा कि इन 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 45-46 सीटें तो कहीं नहीं गई, बाकी सीटों पर संघर्ष है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा सकती हैं, पर 45 सीट तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी आएंगी जी। और पांचवें फेज के बारे में आगे बात कर लेंगे, पहले चौथे फेज धीरेन्द्र जी के ले लेते हैं मत, और उसके बाद चिंतामणि जी का मत मेरे पास है, वो मैं बता दूंगा। आपका माइक मैं कर देता हूं क्योंकि बीच में फोन आते हैं, इसलिए आज मैंने इसको ये नई टेक्निक्स निकाली कि आप डिस्टर्ब ना हो। वो जो है मुझे लगता है कि जब हम लोग इस फेज की बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस फेज में दोनों पार्टियों का बेसिक ताकत क्या है। तो आप देखेंगे ज्यादातर जैसे लखनऊ जैसे शहर हैं, सीतापुर जैसे उसमें देखेंगे, बड़े शहरों में या उन तमाम में बीजेपी पिछली बार भी ताकतवर दिख रही थी, और उसके खिलाफ अगर कोई चीज आपको अगर वहां दिखने, यानी जातीय संतुलन साधने की कोशिश है, या जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का पशुओं का जो मुद्दा उठाया या फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उसमें से क्या कोई इशू आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर या तो योगी अपने नाम पर लड़ रहे हैं, उनके दम पर लड़ रहे जा रहे हैं, और बल्कि मैं तो जब उनसे सवाल पूछ रहा था उस दिन, मैंने उनसे सवाल पूछा भी कि आप महारथी हैं और इस समय मोदी आपके सारथी हैं, जिम्मेदारी और बोझ यानी आपको दोनों लग रही हैं क्या? तो वो हंसने लगे और हंस के उन्होंने कहा कि साहब मैं तो पूरे 5 साल के अपने काम पर लड़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बात कहते वक्त उनके जहन में, आपने देखा होगा कि वीडियो भी चला है कि देखो बुलडोजर भी लगा दिए हैं उन्होंने सभा में, तो मुझे लगता है कि जो ये फेज भी था, इस फेज में भी आप ये वो शहर हैं, हालांकि वो वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा कि गाड़ी पे घुमाना, सड़क पर कुछ भी निकाल लेना, सड़क पर तमंचा फायरिंग हो जाना, ये तमाम चूंकि जगह पर और चूंकि यहाँ ज्यादा हिस्सा ताकतवर शहरों का था, जहाँ लैंड पर कब्जे थे, जहाँ कोशिश ये की जाती थी कि जो जमीन का माफिया वो सब, तो वो ज्यादा बड़ा अभी भी मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो कोशिश कर रहे थे जिस तरह के जातीय संतुलन को साधने की, उस तरह की चीज आपको यहाँ उन पर दिख नहीं रही है। अगर मैं सीट वाइज जाता हूं तो जो लखनऊ की हम बात कर रहे थे, लखनऊ में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंस में है, 1-2 सीट उसको लगता है कि दिक्कत पैदा कर रही है। मुझे लगता है कि जो पूजा जहां से लड़ रही है, एक वो सीट है पूजा शुक्ला, वो कहा जा रहा है, मैं उसको नहीं कह रहा कि उसको बहुत उसको नहीं, उसके लोगों ने बहुत ज्यादा ताकत के साथ कहा कि साहब पूजा शुक्ला, तो हमने कहा कारण कोई है तुम्हारे पास? तो उन्होंने तीन, जो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग अपनी जीत बता रहे हैं उन्हीं का कारण गिन रहे हैं हम लोग। मेरा घर है नॉर्थ में। हाँ हाँ, आपका घर है, मैं जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो वो अपनी ताकत के साथ गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास ये देने का कोई मुद्दा नहीं है कि वहां आप बाकी सब पर तो बोल नहीं रहे। जैसे सरोजनी नगर पर उन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा कि 1,30,000 ब्राह्मण वोटर के साथ हमने ब्राह्मण उतार दिया, तो आपको लखनऊ में वो सीट अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि वहां जीत नहीं रही है बीजेपी। तो इस 8 में, इसमें से 7 में से जो 9 में से 8 थी वो उसके इर्द गिर्द ही हमको वहां दिखाई दे रही है। अगर आप बछरावा एक ऐसी सीट है, जरूर मैं गिनूंगा रायबरेली में, हाँ रायबरेली में जा रहा हूँ, यहाँ से तो आगे निकल गए हैं, मैं रायबरेली में कह रहा हूँ कि बछरावा। अब वैसे नॉर्थ का मैं आपको बता दूं, पूजा शुक्ला को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जानता नहीं, जितना भी वो जता जना पाई होंगी अपने इसमें इस परिचय में उन्होंने कोशिश की कि उनको पहचान लिया जाए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से वो अपनी जीत के लिए उन्हीं सीटों को गिनवा रहे हैं जिनका कारण अब आप बता रहे हैं लखनऊ मध्य उनको लग रहा है, और एक बक्सी का तालाब,
मेरे हिसाब से तो लखनऊ मध्य और बख्शी का तालाब, ये दो डाउट। हाँ, लखनऊ मध्य और बख्शी का तालाब, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ये दो सीटें उनका है। इस बार मोहनलालगंज भी बीजेपी के लिए ठीक ठीक सीट है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग, मैंने आपको रायबरेली में, रायबरेली एक एक करके मैं आपके पास चलता हूँ, मैं इसलिए शायद लग रहा होगा क्योंकि कल से अब तक मुझे दूसरे डाटा पढ़ने पड़ रहे थे लगातार, क्योंकि मैं एक दिन में दो दिन में लगातार सारी सीटों पे जा रहे हैं, तो पुराना एकदम भूलना पड़ता है, नहीं तो याद नहीं रखेंगे नया। रायबरेली में सदर बहुत कांटे की बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे लगता है अदिति निकाल लेंगी, क्योंकि जो वोट बताने की कोशिश की गई कि उनके पिता का वोट कांग्रेस का वोट वो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है कि वहां से अदिति है। सरेनी उनकी ठीक ठाक है, ऊंचा हार इस बार बीजेपी ले लेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात भी हुई मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र भी हैं। मैंने सुना स्वामी प्रसाद खुद वहां बैठ के हरवा रहे हैं सीट। मनोज पांडे जी जो हैं मेरे पुराने मित्र भी हैं, क्योंकि जब वो पता नहीं इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अखिलेश के खिलाफ थे तो मैंने बहुत शानदार एक प्रोग्राम अखिलेश के लिए किया था। और ये हरचंदपुर बछरावा जरूर हमको लगता है कि बछरावा में कांटा है, बछरावा टक्कर की सीट है। हरचंदपुर में समाजवादी का कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहा। नहीं नहीं नहीं, वहां कांग्रेस की बात हो रही ना, बछरावा में कांग्रेस लड़ रही है, अच्छा लड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, अब आप देखेंगे उस सीट पर, अच्छा आपको दिखाई देगा, बछरावा सीट की चर्चा है। और ये जो है आप हरचंदपुर कांग्रेस से जो राकेश सिंह आए थे वो लड़े ठीक है, उनकी लड़ाई में दिक्कत नहीं है, लोग कह रहे हैं एज है, लेकिन वहां उस पर ठीक ठाक हमको लगता है कि वहां संघर्ष हुआ है। बाकी सब सीटों पर बीजेपी है, सीतापुर की सीटों पर बहुत ज्यादा मैं महमूदाबाद में लोगों ने कहा कि संघर्ष है, लेकिन मुझे लगता है कि निकल जाएगी, इस तरह की सीटें हैं अलग अलग। चूंकि लखनऊ और सीतापुर, लखीमपुर सिटी खीरी में मैं आपको बता सकता हूं कि वहां जिस तरह की बातचीत की जा रही थी, जिस तरह का कहा जा रहा था, बीजेपी वहां से अपने पिछली बार के प्रदर्शन के इर्द गिर्द ही है। लगातार हम लोग उस पर नजर रखते रहे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां मुझे लगता है हमारी नहीं सबकी नजर होगी उस पर, ज्यादा वो रहा है। और मुझे अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ना, उन्नाव में भी कोई इस तरह का हम लोगों ने आंधी तो देखी नहीं है कि कह दें, बिलग्राम का आपको बताई थी हरदोई में उनका बेटा ठीक ठाक लड़ ही रहा है। तो अगर आप मुझसे पीलीभीत की सीटों को, जरूर मैं कहूंगा कि दो सीटें शायद संघर्ष में है बीजेपी के पास वहां। ये जो है मैंने लिखा था, मुझे लगता है कि सदर का लड़ाई तो है बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उस पर जीत के लिए नहीं है, माफ करना। सदर में इस बार उन्होंने कुर्मी कैंडिडेट दे दिया है, जी, हमेशा वहां पे समाजवादी, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट रहता था, इस बार वहां कुर्मी है। और उन्होंने ये प्रयोग जो किया है, प्रयोग बंदी है, नहीं तो पीलीभीत में कभी भी कोई डाउट नहीं रहती थी। 68,000 यहाँ कुर्मी है, लगभग 60,000-68,000, 1,40,000 वहाँ मुस्लिम माने जाते हैं। तो लेकिन मेरे विचार से पिछली बार का जो मार्जिन था बहुत बड़ा मार्जिन था, 54.59% बीजेपी को मिला था और समाजवादी पार्टी को 37.25% मिला। कहाँ 37 और कहाँ 54, 54 मतलब 55 ही समझिए उसको। 43,356 वोट का मार्जिन था। बहुत बड़ा मार्जिन। अगर 50% कुर्मी भी ले जाएं, मतलब अगर 68,000 कुर्मी हैं तो अगर मान लीजिए 60% की पोलिंग या ज़्यादा भी मान लीजिए, चलिए 70% मान लीजिए, तो 70% के हिसाब से 49,000 वोट में अगर 50% कुर्मी भी लगे तो भी नहीं भरता, ये गैप तो नहीं बढ़ता। मैं तो जो चीजें बात दिखी है उनके बारे में जो हम लोगों ने इकट्ठा किया उसी पर शेयर कर पाऊंगा, ये बात सही है। नहीं, सही है, जमीन पर जो चीजें आप देख रहे हैं, जो मेरे पास आंकड़े आए हैं वो बता दो। हाँ जी जी, आप बता दो आपका टोटल, आपका टोटल तो बता दें। देखिए टोटल में फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं फिर 40 के करीब ही रखूंगा, 40 से ऊपर मुझे देते हैं। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्योंकि धीरेन जी जो है वो 50-51 बोल के गए, सॉरी अभिषेक जी 50। फोन मुझे रोज सुबह से इतने शुरू हो जाते हैं
और चूंकि फील्ड में रहने का एक फायदा भी है, तो बहुत नुकसान ये भी है कि आपको तमाम पार्टी वाले सुबह से फोन शुरू कर देते हैं कि भैया आप नया कुर्ता सिलवा लीजिए, हम इस बार आपको वीआईपी पास देंगे, बीजेपी वाले आपको कैटल क्लास में रखते हैं, हम आपको आगे ले जाएंगे, आप तैयार रहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो सूचना है तो वो ये है कि पीलीभीत में 3 सीटें क्लियर हैं और सदर में कॉन्टेस्ट लोग कह रहे हैं, हालांकि आंकड़ों के हिसाब से मुझे नहीं लगता। फिर खीरी में अवश्य थोड़ा सा जो इनफाइटिंग रही है वहां पर आपस में, और वो इनफाइटिंग का कारण भी बड़ा रोचक है। उस इनफाइटिंग का कारण ये है कि जो टेनी मिश्रा यानी अजय मिश्रा जी जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उनको लगता है कि वो जो पूरा का पूरा जो कांड हुआ उसमें से बीजेपी के कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने उनके साथ भीतरघात किया, तो वो उनको निपटाने में लगे थे। लेकिन जो मेरी सूचना है कि वो अपने क्षेत्र में ही नहीं सफल हो पाए, यानी निघासन से तो वो निघासन में ही सफल नहीं हो पाए। लखीमपुर सदर में मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है, वो एक सीट तो निश्चित रूप से बीजेपी से जाती हुई दिख रही है। और जी हाँ, और पर यहाँ भी 2017 में 16% का अंतर था। हाँ था, लेकिन वो योगेश वर्मा जी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो सामने वो जो कैंडिडेट का बहुत मुश्किल। अच्छा, ये भी है कि वहाँ पे जो फाइट हो रही है वो जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनके कारण हो रही है, जो आपके लखीमपुर में मेरे सामने ये खुला हुआ है, लखीमपुर में बीएसपी के जो मोहन वाजपेयी हैं वो ब्राह्मणों का एक बड़ा चंक ले जा रहे हैं। ब्राह्मणों की संख्या वहाँ पर लखीमपुर शहर में अकेले लगभग 40,000 से 50,000 वोट उनके हैं, तो उस कारण से योगेश वर्मा का चुनाव फंस गया है। वो फंसा बीएसपी के कारण से है, वो समाजवादी को उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उतार रखा है वहाँ पे। कांग्रेस को तो खैर कोई पूछता नहीं तो, लेकिन बीएसपी का कैंडिडेट ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और उसने डेंट किया है, तो ये है। और धौरहरा सीट भी जो है वो डामाडोल है, तो पिछली बार भी 1% 1.5% का अंतर था। तो ये 3 सीटें जो हैं वो आपके डाउटफुल कैटेगरी में हैं, यानी लखीमपुर, धौरहरा और गोला गोकर्णनाथ। पहले तो बताई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा डाउट में है, लेकिन चुनाव के बाद जो मेरे पास सूचना है ये वो कहें कि संभवतः निकल गई है। तो ये खीरी की स्थिति है। सीतापुर में कमोबेश पिछली बार वाली स्थिति है। सिधौली मुश्किल ही है कि दोबारा बीजेपी निकाल पाए, और वहाँ पर महमूदाबाद पिछली बार कम मार्जिन से हारी थी, हो सकता है इस बार निकल जाए। बिस्वा और आपके लहरपुर में भी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछली बार थी। मामला वहाँ भी सीतापुर में पिछली बार इनका 9 में से 7 सीटें आई थी, 9 में से 7 आई थी जी सीतापुर में। जी सीतापुर में 5-6 हाँ 7 आई थी 7 आई थी, एक सपा के पास थी, एक बसपा के पास थी। हाँ 9 में से 7 आई थी, 7 आई थी, एक सपा के, वो जो वो थी महमूदाबाद सपा के पास, सपा के पास थी, और सिधौली बसपा के पास। जी हाँ, और इसमें इंटरेस्टिंग चीजें थी कि 10,000 से कम से इसमें 4 सीटें हुई थी, जिसमें जो एक समाजवादी ने, एक बीएसपी ने जीती थी, वो बहुत कम अंतर से 1900 और 2500 से जीती थी। और भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, एक 3,000 से जीती थी, एक आपके महोली सीट 3,717, हरगांव 4,995 और लहरपुर 9,118। तो मामला यहाँ बहुत इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मैं यहाँ पर 5-4 करके दे रहा हूँ, हालांकि धीरेन्द्र जी और आप जो हैं इसको अधिक दे रहे हैं।
मैं चिंतामणि जी का जो आकलन आया मेरे पास उसके हिसाब से दे रहा हूँ। लखनऊ मोर और लेस सेम, उन्नाव में पूर्वा आ जाएगी संभवतः, लेकिन एक और सीट चली जाएगी तो वो वही लगभग वही बराबर की स्थिति रहेगी। और हरदोई में एक दो सीट का लॉस हो सकता है। रायबरेली में स्वीप है, मेरी सूचना के अनुसार रायबरेली में संभवतः सभी सीटें भाजपा जीतेगी। फतेहपुर में हरदोई में तो पिछली बार भी 8 में से 7 जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और इस बार तो नरेश अग्रवाल भी साथ में है। जी हाँ, तो नरेश अग्रवाल का जो है वो हरदोई शहर तक ही सीमित है, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं। फिर बचा बांदा, बांदा में तो स्वीप है, और फतेहपुर में एक दो सीट लूज हो सकती है। तो ओवरऑल जो है वो 43-45 मेरे को फिगर दिया गया है इस उसके लिए। पहले 110 था, और उसमें आप 40 अगर लोअर साइड पे तो ये समझिए कि 150 तक इनका आंकड़ा जा रहा है। अब यानी मेरा जो आकलन था वही आकलन लगभग लगभग जी ये आप कह सकते हैं। अब धीरेन जी के पास चलते हैं जी पांचवें फेज के लिए। पांचवें फेज में तो हम लोग देख ही रहे हैं, मैंने आपको कहा कि पांचवें फेज में जो सबसे बड़ा इस बार मामला है वो प्रयागराज है, अयोध्या है और चित्रकूट है। पूरी लाइन से जो है भगवान राम के जो है रिलेटेड, और भगवान राम के नाम पर जो वोट योगी जी वहां सर झुकाते हैं चलते हुए ट्रक पे से भी, उन्होंने जब रोड शो में थे तो 3 पीढ़ियों का रिश्ता है मेरा योगी जी ने कहा, तो मुझे ये शहर क्या ये तमाम सीटें हम लोग जीत रहे हैं उनका कहना था। लेकिन हम लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि जहां हम लोग जैसे कल घूम रहे थे अमेठी के जगदीशपुर में भी मुझे ये हैरानी हुई, मैंने वो ट्वीट भी किया कि बल्कि मैं हंसा भी वहां भीड़ में जो भाजपा के नारे लगा रही थी कि भाई आपको आप ठगे तो नहीं गए बदल के, क्योंकि जिन सड़कों से उतर के हम लोग जा रहे थे वो सड़कें तो उसी तरह थी जैसी 2014 में हमको मिली थी, 2017 में मिली थी, तो वो चीजें आपको दिख रही है। लेकिन जो लोकल कैंडिडेट को लेकर जैसे मंत्री सुरेश पासी को लेकर आप सोचिए कि ज्यादातर ये पता नहीं आप दोनों उसको कैसे देखेंगे, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ज्यादातर शायद इसके पीछे इतनी ज्यादा मैंने नाराजगी बहुत कम समय में चुनावों में देखी है, लेकिन इसके पीछे एक कारण हमको समझ में भी आता है कि कुछ तो जरूर विधायक ऐसे रहे हैं जिनको परेशानी रही होगी, लेकिन ज्यादातर 2 से 2.5 साल कोरोना के समय में जब आपकी विधायक निधि भी बंद थी और लोगों को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी और इस तरह की भी जरूरत थी, तो आपके पास भी मजबूरी थी, आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते थे। मुझे लगता है कि एक वो बड़ा कारण भी रहा होगा कि उससे उन लोगों ने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन विधायकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी नाराजगी का स्वर आपको सब जगह फूटता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि जिस अयोध्या को ये सरकार इतना बड़ा बना देना चाहती है कि वहां लगभग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका आप रेलवे जंक्शन देख सकते हैं, जहां जब आप शहर से अब हाईवे पे भी घुसते हैं तो हाईवे को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश, जो प्लेटफॉर्म है मैं आज राम की पैड़ी पर उस दिन भी था जब मैं योगी जी यहाँ रोड शो कर रहे थे, तो आप ये देखेंगे वहां भी आप इसलिए नहीं फंस रहे हैं कि बीजेपी की वोट कम हो रही है, आप इसलिए फंस रहे हैं कि लोग विधायक के लिए किसी भी कीमत पर आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से जब मैं रायबरेली के, चूंकि रायबरेली की सीट उसमें भी है, अमेठी का भी है एक रायबरेली की सीट, रायबरेली अकेला जिला है जिसमें 2 फेज में है, एक सीट है सिलोन, लेकिन जब हम सिलोन से वहां तक आ रहे थे तो तमाम लोगों की जो दिक्कतें थी वो विधायकों से ज्यादा थी। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये चीज, क्योंकि इससे पहले इस तरह से हम लोगों ने कभी एनालिसिस नहीं किया कि मुख्यमंत्री को लोग लाइक कर रहे हो, ये कम होता है, क्योंकि अगर आप जब नाराज होते हैं किसी पार्टी से तो आप पूरी तरह से उसको ओवरथ्रो करते हैं और आप उसके तमाम लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं ऊपर से लेके, या कूसना शुरू कर देते हैं जो राजनीतिक भाषा में, वैसे गाली नहीं, तो वहां यहां उलट दिख रहा है।
मुझे लगता है कि जैसे हम लोग वहां देख रहे थे कि उसकी अतीक की पत्नी लड़ेगी, लेकिन फिर बाद में उसने अपने पैर खींच लिए, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि वहां वो पूरी ताकत के साथ ये कोशिश करेंगे, बीजेपी जी हारे और अपने साथ वो लगे हुए हैं तमाम, अनुग्रह नारायण सिंह अपने आप को फिर दोबारा, हालांकि पिछली बार भी हार गए, इस बार भी मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की चीजों में वो अगर अपोजिशन कहीं हमको दिख रहा है इस फिफ्थ फेज में, तो वो ज्यादातर उन्हीं सीटों पर दिख रहा है जहां लोग विधायकों से नाराज हैं। कल आप ये सोच सकते हैं कि मुस्लिम वोटों की कहानी और उसकी मजबूरी क्या हो सकती है कि कल भी अखिलेश अयोध्या आते हैं, हनुमान गढ़ी तक जाते हैं और दर्शन नहीं करने जाते रामलला के। ये बड़ी हैरानी नहीं, नहीं, क्या मतलब वो मंदिर तुड़वाएंगे तो नहीं, कम से कम वो कर दें वो कि साहब कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर ध्वस्त करा देंगे। इस पर मैंने आज एक पूछा सवाल वीरेंद्र भट्ट जी से जब मैं बातचीत कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप सिर्फ मुस्लिम वोटरों के रूट जाने की वजह से अगर आप अयोध्या मंदिर नहीं जा रहे हैं, अगर सिर्फ रूट जाने के डर से, तो क्या कल को जब अगर सरकार, मैं नहीं कह रहा आ नहीं रही है, मेरी तरफ से नहीं आ रही, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग भविष्य नहीं वाँचते हैं, अगर वो आते हैं तो क्या वो मुस्लिम वोटरों के नाराज होने के डर से ये सब काम, जो सड़कों का चौड़ीकरण है, जिस तरह का ये हाईवे बन रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग राज्यों को भवन देने के लिए जमीन दी गई है, क्या सब इसको विड्रो क्या उसको कर पाएंगे? हालांकि वो कह रहे हैं कि जब मंदिर बनेगा तो मैं आऊंगा, मतलब जब मंदिर बन जाएगा तब मैं दर्शन करने आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब सवाल, क्या मैं आज भी इस बात के लिए हूं कि क्या वाकई जातिगत समीकरण इस काम को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या काशी के बाद ऐसा शहर है और वो काशी से बेहतर बनाने, यानी नव अयोध्या का पूरा मास्टर प्लान देख लिया होगा, लोग इस बात को भी गिन रहे हैं, कुछ चैनलों को मैं देख रहा था जिनका आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं इसलिए देख रहा था, लोग मेरे पास भेज देते हैं वरना मैं उन पर जाकर देखता नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि दुकानदार बहुत नाराज हो गए हैं, यानी जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है उससे दोनों तरफ दुकानदार बहुत नाराज हो गए हैं और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डलेगा और इससे पूरा, तो मैंने हंसते हुए कहा कि ये काशी में भी नाराज हो गए थे वो दो मोहल्ले, काबुली वाला भी और लाहौरी वाला भी, जिन्होंने मंदिर के चारों तरफ की जमीनें कब्जा ली थी, तो उसके बाद भी मोदी जो है पिछली बार से ज्यादा से जीत के आ गए इस बार भी, क्योंकि उनको सरकार ने न केवल, जबकि वो वहां ट्रस्टी या आश्रम के मंदिर के बाहर दुकानें हैं जिनमें 3 रुपया 30 रुपया 300 रुपया किराया है ना, उन लोगों को सरकार ने अलग अलग जगह क्लस्टर बना के बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं जहां उनको जगह दी जा रही है, मालिकों को अलग से मुआवजा दिया जा रहा है, काफी अच्छा मुआवजा, कई गुना मुआवजा, आपने वो जो उसको हाइड्रोलिक सिस्टम से जो उठती है उसको किस बोलते हैं, मेरे कम याद नहीं आ रही, जो पार्किंग होती है वो पार्किंग मैं अभी देख के आया हूँ, मतलब वो पार्किंग आपने दिल्ली में भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी होगी, जिसमें कि आपको मल्टी लेवल पार्किंग मशीनों से उठाकर अक्सर कुछ वो देखा हुआ, वो तमाम कामों के ऊपर क्या विधायक के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा हो सकती है, या जातीय गणित आपको, क्योंकि यहाँ 30-40 हजार आपको मालूम है यादव भी है और मुस्लिम वोटर्स भी है, तो क्या ये जातियों का गणित परेशानी कर सकता है, क्योंकि पवन पांडे जो है बीजेपी की तरफ से, उसके समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी है और ज्यादातर जगह पर अगर हम यहाँ भी देख रहे हैं बाइपोलर मुकाबला है, इसलिए मुझे लगता है जीत का जो अंतर है वो तो बहुत ज्यादा वो नहीं करेगा, क्योंकि बाइपोलर मुकाबले में ये चीजें थोड़ा बहुत मायने रखना बंद हो जाती है जब होता है, तो मुझे लगता है इस फेज में थोड़ा सा बीजेपी को जिस तरह हम देख रहे हैं उसी तरफ से थोड़ा फायदे की तरफ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारी चीजें इकट्ठा हो सकती है अगर वो चीजें असर कर रही हैं, लेकिन विधायकों की नाराजगी इसको कहां तक जाने देगी ये देखना पड़ेगा, विपक्ष के पास मुझे नहीं लगता इस फेज में भी कोई ऐसी बड़ी चीज, बल्कि इस फेज में तो आपने और कम देखी होंगी, हालांकि वो कह रही थी जैसे अपना दल, यहां सबसे बड़ी चीज होगी कि अपना दल का खानदानी जो है वो शुरू होगा सिराथू में, अगर पल्लवी पटेल लड़ेगी तो फिर वहां से आप अपना दल जो सोनेलाल है जो पटेल है उनकी भी 6 सीटों पर इस पूरे फेज में होना, यानी बीजेपी को अपने साथ साथ उस समीकरण को भी देखना होगा जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उसी तरह से सुहेल राजभर या वो इससे आगे अब ये शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस पे यहाँ भी होगी। मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ जी SBSP और ये आपका अपना दल के
ये दोनों मिलके एक भी सीट नहीं जीतेंगे। एक चीज और पूछता हूं, इस फेज में शुरुआत तो ये हो गई थी तीसरे फेज से, लेकिन इस फेज में आवारा गायों का जो मसला है वो लुटियन मीडिया बहुत बढ़ चढ़ के बना रहा है और सब जगह दिखा रहा है कि सब ऐसी नाराजगी है कि बस सब तो बस खत्म ही हो गया सब। देखिए ये बात संजय जी हर जगह आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ इसलिए भी है कि हालांकि उन्होंने एक नया कारण खोज लिया कि वहाँ गन्ना है और उसको कम नुकसान होता है, यहाँ चूंकि सब्जी बोते हैं, गेहूं बोते हैं और सरसों बोते हैं, ये एक नई कहानियां वो बता रहे हैं, लेकिन ये परेशानियां हर जगह है। ये लगता है कभी खीरी वीरी गए नहीं, खीरी पीली भी तो गन्ना ही गन्ना है। हाँ वो मुझे लगता है कि इनके पास दरअसल ज्यादातर लोग वहां बैठकर और या जो फील्ड में आपको दिख रहे हैं वो एक जगह लोग जो बोल रहे हैं आप वहां जाके कुछ भी बुलवा सकते, मतलब बुलवाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कहेंगे ऐसा नहीं है, मैं अगर कहीं भी एक मोहल्ले में जाके चूज कर लूंगा उसकी जाति के तो वो एक ही तरफा बोलेंगे वो चाहे कहीं भी हो। जैसे मैंने फिर आपको कहा कि मुझे ये इसलिए बहुत ज्यादा इशू इस तरह लग रहा है कि इसको हल ऐसे किया जा रहा है कि जो बीजेपी का वोटर है वो इनको कह रहा है कि साहब एक तो हमारे हैं जो हमने छोड़े हैं, दूसरा ये है कि भगवान ने इनको नौकरियां नहीं दी, तीसरा ये जिस खेत में जाते हैं उसमें फसल पहले से अच्छी हो जाती है, तो उसने अपने तर्क ढूंढ लिए और जो दूसरे हैं उन्होंने अपने तर्क ढूंढ लिए। यहाँ तक कि मुझे हैरानी होती है कि इस तरह के बंद दिमाग या जो ताकत होती है पॉलिटिकल पावर जो जिसको कहते हैं अंधा करती है जो अपने समर्थकों को, वहां कई लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब ये जो है इतने जानवर यहाँ थे ही नहीं, ये कहीं से लाके छोड़े गए हैं, मतलब योगी मोदी ने छोड़ दिए हैं, वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं। तो बेसिकली और एक बहुत ही बात जो घटिया मुझे नहीं कहनी चाहिए कहना चाहिए, दरअसल ये सारी जो है ये योगी जी के अपने हिंदू के प्रति जो उनका कोर है वो है, क्योंकि गायों का कोई भी कटाव ना हो इसके लिए उन्होंने तमाम रोक लगा दी, उसके बाद वो अवैध स्लॉटर बंद हो गए और यही किसान जो हिंदू या तमाम चीजों की बात करते हैं ये किसान खुद अपने जानवरों को गायों को बूढ़ा होने पर और बछड़ों को खुद दे दिया करते थे, हिंदू व्यापारी आता था घर तक लेकिन वो बिकता था कसाई को, अब वो कहने के लिए उनको बड़ा हिंदू थे, अब वो उनको चूंकि जब पर्सनल नुकसान हुआ तो वो तमाम उन्होंने अपना खोल उतार दिया, असली लड़ाई बेसिकली ये है, इस पर कोई बोलता नहीं है वो बताते नहीं है लेकिन ये कहानी है जी। ओंकार जी देखिए साहब, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये जो 61 सीटें हैं 12 जिलों की, 47 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार और उसके सहयोगी अपना दल ने भी सीटें जीती थी, तो अधिकांश चंक जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने ही जीता था। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो शायद 4 या 5 सीटें उसके हिस्से में आई थी। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी इन्हीं क्षेत्रों में 41 सीटें जीती थी, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हम समाजवादी पार्टी को कमतर आंक करके नहीं चल सकते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार के खिलाफ कोई अगर नाराजगी होती तो हो सकता था कि इस चरण में समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा मिल जाता, लेकिन जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा है यहाँ अयोध्या है, यहाँ चित्रकूट है, यहाँ प्रयागराज है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके तमाम प्रतीक यहाँ पर मौजूद हैं, और चाहे कामयाब कुंभ का आयोजन हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये एक सारी चीजें ऐसी हैं। लोकल जो इश्यूज हैं जिनका जिक्र धीरेन्द्र जी कर रहे थे और कुछ और मित्रों ने भी किया है कि वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के नाराजगियाँ हैं, वो लोकल स्तर पर हैं अयोध्या में, उसके चलते जो है परेशानी आ रही है लोकल कैंडिडेट को, क्योंकि ये योगी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी ना हो करके लोकल कुछ नाराजगियाँ हैं। बताते हैं कि कुछ बुलडोजर चले थे रास्ते बनवाने के लिए या दूसरे काम करवाने के लिए, तो उसको लेकर के कुछ नाराजगियाँ हैं,
लेकिन ओवरऑल हम जो देखते आ रहे हैं फर्स्ट फेज से लेकर के और चौथे फेज तक के बड़े लक्ष्य के लिए लोग वोट कर रहे हैं। और ये बात मैंने पहले भी कहा था इस प्रोग्राम में कि इस बार मैं हैरान हूँ ये देख कर के कि लोग मोदी का उतना जिक्र नहीं कर रहे हैं जितना योगी का जिक्र कर रहे हैं। बाबा का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, मतलब उम्र दराज महिलाएं 80-80 साल की 90-90 साल की महिलाएं, उनसे जब इन्हीं अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने पूछा कि दादी किसको वोट करके आई हो, तो वो उनके कान में कहती हैं कि वैसे तो यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी खड़े हैं, वो साइकिल के लिए कह रहे थे, पर मैं तो फूल पर डाल करके आई हूँ और बाबा को वोट दे करके आई हूँ। तो बाबा का करिश्मा इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है, ये हम फर्स्ट फेज से अनुभव करते हुए आ रहे हैं। और पांचवें फेज में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। हाँ, जहां जिन सीटों पर थोड़ा वोट शेयर का अंतर कम था 2017 में, या कुछ स्थानीय कारण हो जैसे अयोध्या की लोकल सीट पर बता रहे हैं धीरेन जी या दूसरे लोग बता रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान यहाँ होगा मुझे नहीं लगता। और बड़ा फायदा कोई समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को होने जा रहा है ये भी नहीं लग रहा है। और कांग्रेस को तो यहाँ भी निराशा हाथ लगे, उसका तो खुद अपने जो इलाहाबाद में उनका आनंद भवन था उस इलाके में भी कोई उनको वोट देगा मुझे लगता नहीं। देखिए, यहाँ एक बात मैं जोड़ दूंगा, जगदीशपुर में सुरक्षित सीट है, यहाँ तीनों पासी कैंडिडेट हैं और जो सुरेश पासी के खिलाफ काफी गुस्सा है। कौन सी जगदीशपुर सुरक्षित सीट है और यहाँ जो है अमेठी की है और यहाँ विजय जो पासी है वो कांग्रेस से लड़ रहा है, उसके सामने वहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है और शायद ये उन सीटों में से एक होगी जहां मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट करेगा। ये वो एक सीट है जो वहां दिखती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अगर डाटा की बात आप कर रहे हैं तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ 46 सीट मिली थी और सपा को उससे ज्यादा सीट मिली थी, सपा से ज्यादा बसपा को बढ़त मिली थी। मतलब अगर हम लोग असेंबली सेगमेंट में 46 सीट में है, आपकी जो अपना दल की तीनों सीटें शामिल है। एक मिनट बस रुकिएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये है, हाँ इसमें ये बीजेपी को 46 है, बसपा को 6 है, जनसत्ता दल जो राजा भैया है दल वाले उनको 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 पर मिली थी, 3 पर सपा थी। यानी सपा अचानक इतनी ताकतवर हो जाएगी 2021 से की वो तमाम वापस वहां ले जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। नहीं नहीं, वो इसमें शामिल है, मैंने बता दिया 46 में वो भी वो शामिल है। हाँ, 46 में। तो एक और आपको बताऊं एक मजेदार तथ्य, उसके बाद फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं। वो ये है कि पसमांदा मुसलमानों ने अपील कर दी है कि पूर्वांचल में हमको एक भी सीट नहीं दी गई है, तो इसलिए कोई भी पसमांदा इनको वोट ना दे। तो ये एक नया विमर्श आरंभ हो गया है और उन पसमांदा महाज के मेरे पास तो सबने खूब वीडियो भेजे ही हैं, लेकिन ये पूरे इसमें अब जाके ये आए हैं, मतलब ये इनका कार्यक्रम जो है ये चौथे फेज से ही आरम्भ हुआ है, उसके पहले ये एक्टिव नहीं थे और ख़ास तौर से पूर्वांचल में इनकी बहुत संख्या है और पूर्वांचल में कहा है कि साहब की एक भी सीट पसमांदा समाज को नहीं दी गई, विशेषकर बुनकरों की जिनकी सबसे अधिक संख्या है उनको एक भी सीट नहीं दी गई है, न समाजवादी ने दी है न बसपा ने दी है, तो इनको दोनों को वोट ना दे, जिसको चाहे उसको दे। ये एक नई अपील आई। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्न ले लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं, वाकई आज तो कोई प्रश्न ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग बिल्कुल एकदम वो आपके इससे पूरी तरह सहमत हैं। तो ये पांचवे फेज के बाद हम
भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के नजदीक ले जाएंगे, मतदाता ले जाएंगे। हमारे जो है वो आपका और मेरा जो मतलब चिंतामणि जी का जो आकलन है वो इसको ले जाता है लगभग 150 तक, और अभिषेक जी का है वो लगभग 180 तक है, तो 150 से 180 के बीच का है। तो इसका मतलब कि अभिषेक जी के आकलन में तो बहुमत पांचवें फेज में आ जाएगा, और हो सकता है हमको आपको धीरेन्द्र जी को थोड़ा समय लगे, छठे छठे का इंतजार करना पड़ेगा जी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, अभिषेक जी चले गए हैं लेकिन उनको भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और अगला संस्करण press the bell icon on YouTube and don't miss another update.